जय खाटू श्याम जी की आप सबका स्वागत है मेरे ब्लॉग में। आज मैं आपको बता रही हूँ, ये मैंने कटिंग लगा रखी थी, ये कड़ौल की, ये भी कटिंग थी, ये एक महीने पहले की कटिंग है और ये इसमें देखिए कली भी आ रही है, इसमें फ्लावर होगा। ये देखिए मैंने ये बॉक्स, ये ऑयल का कंटेनर लिया है, इसको मैंने काट दिया है और यहाँ पे मैंने अपने चैनल का नाम लिखा है पीजे गार्डनिंग एंड ब्लॉग्स और इसी में मैं ये वाली दोनों कटिंग्स लगाऊंगी। वैसे मिट्टी मैंने तैयार कर रखी है, कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, आप नॉर्मल मिट्टी लीजिए और आपके पास किचन कंपोस्ट है तो वो भी ले सकते हैं, नहीं है तो आप एक काम कर सकते हैं कोको पिट ले सकते हैं। मैंने ये तीनों कटिंग लगा दी है और ये वाली कटिंग बेकार हो चुकी है क्योंकि ये पूरा इसके जड़ कट सक्सेसफुल नहीं हुआ है और ये तीनों कटिंग सक्सेसफुल हो गई है। तो जैसे भी इसकी अभी वैसे तो फ्लावरिंग ये दिखा रहा है पर अब देखते हैं फ्लावरिंग होती है या नहीं होती है। ये देखिए मेरे छत पे हमेशा चिकू रहता ही है, हमेशा चिकू रहता है और ये देखिए इसकी शैतानी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इनने क्या किया है, मेरा स्नेक प्लांट खा गए हैं, ये आधा स्नेक प्लांट ख़त्म कर दिया इनने, पता नहीं कब आ जाते छत पे पता नहीं चलता। और ये देखिए पुदीना हो रहा है अभी अच्छा खासा और ये देखिए माउंटेन्स, आज माउंटेन्स दिखाई दे रहे हैं क्योंकि मौसम एकदम साफ है। और ये मेरे छत पे ये पापा गलोई लेके आए थे, ये नीम वाली गलोई है, जो नीम का पौधा होता है उसके ऊपर गलोई चढ़ गई थी तो ये वो वाली गलोई है। तो जैसे जैसे हम इसको यूज़ करते हैं अभी और वैसे वैसे इसको काट के छोटा छोटा टुकड़ा करते हैं और यूज़ करते हैं। तो आप लोग भी अपनी अपनी छत पे ऐसी छोटी छोटी कटिंग्स लगा सकते हैं और ग्रो कर सकते हैं। इसमें कुछ वैसे मतलब आपको प्लांट लेके नहीं आनी है मार्केट से, आप एक जैसे मैंने इसी की कटिंग लगा रखी है, जो पौधा है ना इसी की कटिंग लगा रखी है और कुछ मम्मी लेके आई थी कटिंग उसकी लगा रखी है। तो आप लोग भी छत पे ऐसी, अभी मॉनसून का सीज़न चल रहा है तो आराम से आप ये कटिंग लगा सकते हो और इजी टू ग्रो है, ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब नहीं लगेगा। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।